सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त तुषार लेके आया हूं सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। और आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको कुश्ती की टेक्निक के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि कुश्ती की टेक्निक के क्या क्या नाम है और वो कैसे उसको यूज किया जाता है एक टूर्नामेंट में। दरअसल जो मेरा पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको कुश्ती की जानकारी दी थी कि कुश्ती कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस एज में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके हमें क्या क्या फायदे होते हैं भविष्य में, उसकी पूरी जानकारी दी थी। अगर वो वाला वीडियो आपको देखना है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसमें उसको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। और चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में पूरी हम टेक्निक के बारे में बात करने वाले, तो इसलिए आज हम मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जयपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और मिलवाऊंगा जो वहाँ के कोच हैं कुश्ती के उनसे और पूरी जानकारी लेंगे टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए लेकर चलते हैं आपको। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है इसे दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो सके और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूँ और स्पोर्ट्स की सटीक जानकारी मैं आपको दे सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुश्ती के बहुत ही अच्छे कोच, बहुत ही अच्छे ट्रेनर और बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले पहलवान जी अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम मंदीप। मंदीप जी, तो आपकी एज कितनी होगी? मेरी 26 साल। 26 साल हो गए। तो मंदीप जी आपको कुश्ती में कितना एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब प्रैक्टिस करते हुए और ट्रेनिंग देते हुए? मेरे को 10 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो अपने दर्शकों को आज हम कुश्ती के थोड़े दाव बताने वाले हैं, वो कैसे लगते हैं, उनके नाम क्या क्या है, टेक्निक लगती है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले हमें कौन सा दाव पेज दिखाने वाले? आप दर्शकों को सबसे पहले मैं कलाजन दाव से कलाजन, तो चलिए कलाजन से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये पहले उनको एक हाथ अंदर, ये हाथ गिरी वैसे रहेगी, ये दोनों उठे और उंगलियां मिली होंगी। अब इस पहलवान को पुश करना नीचे, उस दोनों ऐसे गिरी ये रहेगी। अब इसको खींचना है, इसको पुश करना है। जो ये दाव लग रहा है इसको धोबी बोलते हैं। फिर पहलवान को ऐसे पुश करते हैं, कैसे खाने से पुश करके। और गाइस जो अभी अगली टेक्निक लगाने वाले हैं इसको फीतले बोला जाता है। तो को सब बताइए कैसे लगाते हैं फीतले? इस आप ऐसे ग्रिप लेते हैं, ये कमर को पूरा क्लोज कवर करते हैं, इस आप जैसे सेम क्वेश्चन है ये वाले, तो ये ग्रिप आगे इसको ऐसे लगाया और ये से और गाइस जो अभी नेक्स्ट टेक्निक लगाने वाला है उसको डबल लेग अटैक बोला जाता है। तो को सब दिखाइए थोड़ा सा हमें। ये सेम प्रोसेस है, जैसे ये घुटना वाला ऐसे दिखेगा दोनों पैर में। अब इस क्या करेंगे, इस पैर को पैर से काटेंगे, और अभी जो हम नेक्स्ट टेक्निक देखने वाले हैं उसको बारंदाज कहा जाता है। तो ठीक है, अब को सब बताइए हमें बारंदाज कैसे लगाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक जो है वो डंडा है और वो कैसे लगाई जाती है तो बताते हैं आपको। जैसे पोजिशन रहती है वो सेम रहेगी, ऐसे हम ऐसे दूसरे की
और इसे डंडा कहा जाता है। और हम जो अब नेक्स्ट टेक्निक बताने वाले हैं उसको कमर ढक बोलते हैं, और वो किस तरीके से लगाई जाती है वो हमको कोच साहब बताने वाले हैं। तो चलिए कोच साहब बताइए कि किस तरीके से ये टेक्निक लगाई जाती है। देखो ऐसे पहली पोजीशन रहेगी, जो अपना हाथ आगे है कि हाथ बगल में, ये टो ऊपर, ये ऐसे साइड में। अब ये जो जिसको गिराएंगे तो पहले हाथ के नीचे रहेगा, ऊपर ऊपर आएंगे साथ में। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी गेन होता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।